दोस्तों आज हम सुकम एसएमडी पीसीबी का चार्जिंग कट ओवरलोड एंड हाई लो कट एंड चार्जिंग एम्पीयर सेटिंग करना सीखेंगे। जिस तरह एम्पीयर सेटिंग किया जाता है हम लोग सीखेंगे। इसमें डिस्टेंस कौन सा बदली करना है, C9 C4 कैपेसिटर 4 लो बैटरी फोल्ड, अगर ये शॉर्ट हो जाएंगे तो लो बैटरी फोल्ड होगा। इसको आप ओपन कर दीजिएगा, ये बीमारी निकल चली जाएगी। R1547 K4 लो बैटरी एंड चार्जिंग एम कट सेटिंग, इसे क्या है आपका, आपको सेटिंग करना है। जैसे 10 वोल्ट पर चार्जिंग कट लो बैटरी दिखा रही है तो आप इसको 9 वोल्ट पे भी सेटिंग कर सकते हैं। इसका पैरेलल आप 100 के का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 9 वोल्ट में भी ये आपकी 9 वोल्ट तक भी चलेगी। अगर मान लीजिए जैसे आपको 14 वोल्ट में चार्जिंग कट हो रही है, आपकी बैटरी पुरानी है गर्म हो रही है, तो उसको 13 वोल्ट में कट करानी है, यहाँ पे 100 के का रेजिस्टेंस पैरेलल मार दीजिएगा, ये चार्जिंग कट जो है 13 वोल्ट में ही हो जाएगी। उसके बाद R6115K फॉर हाई लो कट सेटिंग, इससे आप हाई लो कट सेटिंग करा सकते हैं। 100 वोल्ट में भी आपको चेंज ओवर करा सकते हैं इससे। R46390K फॉर चार्जिंग एम्पियर सेटिंग, इस रेजिस्टेंस से कम बेसी करके आप चार्जिंग एम्पियर कम बेसी कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस R45 6.8K का फॉर ओवरलोड सेटिंग, इसे सेटिंग कर सकते हैं ओवरलोड।